आज्ञा वैष्णव भो नमो नम वृंदाय तुलसीदेवाय सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यव्रतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवास्तव गौर भक्त वृंद सब हाथ कर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हे गुरुपाद ब्रह्मा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सुत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत मुनि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद ब्रह्मा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सुत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण उनको ट्रांसलेशन को कर देगी तो कर देना देगी तो कर देना ए भाई हरे कृष्ण जो जो गतगल्य है गतगल्य से श्रीवास पंडित का गतगले श्रीवास पंडित का तिथि थी इसलिए आज हम लोग उनको बारे में कुछ कथा सुन लेते हैं। ठीक है कहते इनका जो श्रीवास पंडित हम लोग हरिनाम करने से पहले बोलते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त। इसलिए कलयुग में भगवान ये पंच रूप में आकर के हरि कीर्तन को जगत में प्रचार किया है। बोले श्री कृष्ण चैतन्य कौन है ये स्वयं श्री भगवान कृष्ण चैतन्य। जब उन्होंने संन्यास लिया तब उनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण चैतन्य। क्यों उन्होंने जगत में उन्होंने कृष्ण रूपी चेतना तक जगत में सबको उन्होंने प्रदान किया है। मतलब कृष्ण भक्ति जगत में उन्होंने प्रचार प्रसार किया इसलिए उनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण बलदेव प्रभु। और ये कौन है बोले श्री नित्यानंद प्रभु है। इसलिए बोले ब्रजेर कानाई गौर होलो और ब्रजेर बलाई निताई होलो। मतलब ब्रज का जो कृष्ण है महाप्रभु रूप में आए और जो बलदेव प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु रूप में आए इसलिए इनका नाम नित्यानंद। नित्यानंद मतलब क्या है बोले हर समय जो आनंद में रहे नित्य जो आनंद में रहे। शिक्षा देते हैं भैया नित्य आनंद में कैसे रह सकते हैं नित्य आनंद में कैसे रह सकते हैं तो वो शिक्षा देते हैं अगर हर समय हम भगवान की भजन में लग रहे हैं जैसे बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं हर समय उनको पंच रसों से और दस शरीर से हर समय उन्होंने भगवान की सेवा और हर समय भगवान से अभिन्न होते हुए भी हर समय ये क्या करते हैं ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हर समय अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दय आनंद कहाँ पर है भगवान की चरण में। अगर हर समय भगवान का याद करे सुनाना करे उनका कीर्तन करे आनंद ही आनंद। इसलिए नित्यानंद मतलब हर समय जो भगवान की सेवा भजन करते इसलिए नित्यानंद है। और हम लोग दुखी क्यों होते हैं बोले आनंद जहाँ पर है ना वहाँ तो छोड़ दिए और जहाँ दुख है हम उसके ही पकड़ेंगे। ये संसार दुख में है ये संसार को हमने पकड़ लिया इसलिए दुखी दुखी है। इसलिए आनंद बना चाहते हैं कि अगर भगवान की चरण को आश्रय लो हर समय उनकी भजन कीर्तन में हर समय लगे रहो। इसलिए कहते अद्वैत बोले ये अद्वैत कौन है बोले महाविष्णु जो सदाशिव है। ये उन्होंने श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए और इन्होंने भी जगत में बोले और
द्वैता आ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, जो भगवान से अभिन्न है क्योंकि ये सदा से है और ये महाविष्णु है, ये कारण तो साई विष्णु है अवतार है। कहते श्री गदाधर ये कौन थे, बोले श्री राधा रानी। बोले श्रीवास पंडित कौन थे, बोले श्री नारद। इसलिए उन्होंने जगत में ये पंच रूप में आए, जगत में सर्वत्र हरि कीर्तन को जगत में प्रचार प्रसार किया। इसलिए बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सफार सदस्य धाम सहावत। भगवान अकेले नहीं, धाम और परिकरों को लेकर के आते हैं। इसलिए ये कौन थे, बोले नारद थे। ये भी हर अवतार में आते, जैसे कृष्ण अवतार हुआ तो कहते ये किस रूप में आए, बोले ये मधुमंगल बन करके आए, कृष्ण के सखा बन करके आए और कृष्ण के साथ में खेलते कूदते खाते हैं। फिर जब नारायण लीला में ये क्या बन करके आए, नारायण लीला बोले नारद ही। ये कितना श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हर समय से नारायण का नाम लेते हैं। जब कृष्ण अवतार आते में कृष्ण का नाम लेते, लेकिन जब उन्होंने श्री महाप्रभु का अवतार में आए तब फिर किसका नाम लेते हैं, श्री सचिनंदन श्री गौर हरि की, श्री महाप्रभु का नाम को ग्रहण करते हुए। लेकिन दूसरे दूसरे अवतार में जब नारद जी घर गृहस्थ नहीं किया, खुद भी घर गृहस्थ नहीं किया, उसको भी घर गृहस्थ होने भी नहीं किया। जो नारद जी का संगत उसको मिल गया ना, घर गृहस्थ अगर बनने वाला था तो घर गृहस्थ तोड़ दिया उन्होंने। इसलिए दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चों को जन्म दिया, बोले जाओ पढ़ने के लिए जाओ। नारद जी के पास में पढ़ने के लिए गए, जब पढ़ाई खत्म हो गया बोले देख अभी तुम्हारी क्या हो गया, तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गया गुरुकुल में, अभी कहाँ घर में जा रहे हैं ना, समझ बुझ करके जाओ, एक बार फंस जाओ तो निकल नहीं पाओगे, पहले संपूर्ण गृहस्थ किया है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किया ना नारद जी, बताओ तो ऐसे कौन सा बिल है जो बिल में एक बार घुस जाए निकल नहीं सकते है। बोले गुरु जी बिल में घुस निकल ही सकते हैं। बोले बताओ ऐसे कौन सा बिल जिसमें एक बार चले जाओ जी निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, घर गृहस्थ। अब समझ देख सामने एक समस्या, आप सोचते होंगे इसी तरह से ना, बस बच्चे का लिखाई पढ़ाई हो जाए, फिर सोचते हैं इनका शादी हो जाएगा, अरे बुआ पहले तो कहीं सत्संग में वृंदावन में नवद्वीप पे चले जाते हैं, बुआ अभी तो वो छोड़ कर अकेले नहीं जा सकते, अगर नाती पोती भी हो गया तो हो गया, डॉक्टर घूमती रहती है कोई काम होता नहीं, हाँ घूमती रहती है इधर उधर बच्चे को, फिर तो बहु टेढ़ा करके बात करके मुंह टेढ़े करके। इसलिए यदि ये घर गृहस्थी ऐसे के भी लेना जिसमें एक बार घूम जाए तो निकलने का भी रास्ता नहीं है। कहते हो ऐसे कौन सा चक्र है बिना घुमाए जो अपने आप घूमती है, ये काल चक्र है, किसको कोई नहीं घुमा रहे हैं, जन्म हुए बड़े हुए जवानी हो गई शादी हो गई आग में देखना कम हो गया, दांत टूट गई, सारी चमड़ा ढीली हो गई, राम नाम सत्य हो गया। पहले ऐसे कौन सा हंस जो विचित्र बात करता है, ये ग्रंथ वेद बुरा है, विचित्र विचित्र बात क्या करता है। मतलब भैया तुम ये संसार के नहीं हो, तुम रिफ्यूज होकर दो दिन के लिए आए, अपना घर में वापस चलो, ये तुम्हारी घर नहीं, ये दो दिन का किराया है, किराए का रूम लेकर रह रहे हो, ये तुम्हारी ये भी किराया है, एक दिन ये भी तुम्हारी खत्म होने वाले, ये घर भी एक दिन छोड़ने वाले हैं। इसलिए कहते चलो कहाँ पर तुम्हारी घर, जत गत्वा न निवर्तन से तद धाम परम, जहाँ जाने से जीव दोबारा जगत में आता नहीं, अपना घर में वापस चलो है, जो पिताजी का आदेश दिया है। बोले परम पिता जो भगवान ने आदेश किया, बोले एक ही आदेश है, स्मरत सततम विष्णु विस्मरत ब्रह्म जातु, खबरदार भगवान की याद को छोड़कर और उसको याद निषेध किया है, कभी उनको भूलो मत, आदेश दिया है हर समय उनको याद करते रहो, उनका यही आदेश और यही निषेध। और उनका आदेश है श्रुति सिद्धांत यह उरुकारी भजी सब काज विसारी, जितने शास्त्र यकी कहता है भैया सारे मोह माया को छोड़ करके भजन भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो है। हमने ऐसे ऐसे विद्या पढ़ाई ना,
ऐसे ऐसे आरंभिक विद्या बनाई ना, इतने मुझे तो सब ज्ञान की बात बता दी, ऐसे 10 हजार बसे था ना। बोले गुरु जी अब तो बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान बताए, लेकिन जब तो गुरु जी की कृपा नहीं होगी ज्ञान काम नहीं करता, इसलिए आशीर्वाद नारद जी आशीर्वाद दिए तो क्या हो गया, सबके सब 10 हजार चले बच्चे सब सब डर गए, जब तो प्रजापति को दुखी हो गए, भले इतने बच्चों को हमने जन्म दिया था, संसार घर गृहस्थी करती है तो खुद का भी घर गृहस्थी टिकने नहीं दिया, इसको भी घर गृहस्थी घर की अपना भी घर मकान कुछ नहीं, सबको भी ऐसे भीख मंगाने वाले बना दिया सब, तब उन्होंने फिर किया क्या, फिर 10 हजार बच्चे जन्म दिया, फिर भैया सबको साधु बना, फिर तो उनको बड़ा क्रोध आया, खुद बैठ बैठ करके मजा ले रहे हैं, सबको पागल बना रहा है, इसलिए अभिशाप दे दिया, बोले एक जगह पर एक मूर्त से ज्यादा कोई टिक नहीं सकते, अभिशाप दे दिया, अभिशाप दे दिया। नारद बोले बढ़िया हो गया, पहले तो एक जगह पे रह करके सबको भक्त बनाता था, अभी सारा दुनिया घूमूंगा सबको भक्त बनाऊंगा, सबका भक्त बनाए, इसलिए कहते ये कृष्ण लीला में भगवान की लीला में ये त्यागी बन करके आए, घर गृहस्थी खुद नहीं किया दूसरों को करने नहीं दिया, लेकिन जब महाप्रभु आए ना गृहस्थ, महाप्रभु लीला में गृहस्थी बन करके आए, बोले गृहस्थी क्यों बन करके आए, कारण क्या, बोले सब तो साधु संन्यासी बन ही नहीं सकते, सब बन सकते हैं बोलने पर भी नहीं बन सकते, इसलिए जो गृहस्थ बनेंगे वो कैसे भगवान की भजन करेंगे, उनका भक्ति के आदर्श कैसे था, घर में रहकर कैसे ठाकुर का भजन करें, इसलिए स्वयं एक गृहस्थ बने और दुनिया को सिखाया घर में रहते हुए क्या करो, कहते ना जति नगरी है भजन देखी गृह ते गोल कवाया, जिस दिन घर में भगवान का भजन पूजा भक्ति हो तो घर घर में ही वही हरि भगवान की, वही भगवान की धाम, वही वृंदावन धाम है ना, इसलिए उन्होंने गृहस्थी बन करके और महाप्रभु क्या करते थे, इनके घर में ही आकर क्या करते थे, श्रीवास अंगन गए थे ना नवद्वीप धाम में, वो जो श्रीवास अंगन था वहीं पर महाप्रभु श्रीवास जी के घर में आकर नित्य संकीर्तन रास करते थे, कलयुग में रास क्या है, बोले संकीर्तन ही कलयुग में यही संकीर्तन रास है, इसलिए महाप्रभु रोज रोज उनके घर में हरि कीर्तन हरि नाम करते थे, और उन्होंने गृहस्थ में शिक्षा दिया, क्या शिक्षा दिया, जब महाप्रभु उनको घर में नृत्य कीर्तन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु अद्वैत आचार्य सब भक्त लोग मिलकर कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करते 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 श्रीवास का जी एक लौटा संतान था, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जब शरीर छोड़ दिया एक घर में कीर्तन हो रहा है, दूसरे घर में बच्चा ने शरीर छोड़ दिया, जब शरीर छोड़ दिया घर के स्त्री वो चार भाई स्त्रियां तो बैठ गई होंगी, क्योंकि एक बेटा शरीर छोड़ दिया, सब रो रहे हैं, सबसे सब बैठ गए, अभी इनको कान में आवाज आई, घर में कुछ ज्यादा अनहोनी हो गई, रो रहे रात, तो उन्होंने कीर्तन को प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए गए, देखा उसका एक लौटा जो संतान शरीर छोड़ रहा, सब स्त्रियां बैठ कर रो रही, देखो उन्होंने कितना धीरज धारण करते हुए कैसे भगवान की सेवा की, और उन्होंने बोला क्यों रो रहे हो, तो तुम्हारी एक बेटा का शरीर छोड़ दिया, देखो क्या कहते हैं, बोले बताओ बेटा दे दिया किसी ने, बोले ठाकुर ने दिया, बोले लिया किसी ने, बोले ठाकुर ने लिया, बोले जब उसने दिया तो बीच में क्यों दुखी हो रहे हो, दिया तो उसने और लिया तो उसी ने, जब दिया उसने लिया उसने और तुम दुखी क्यों हो रहे हो, मैं तो सोच रहा हूँ मेरा सौभाग्य ऐसे कब हो, मतलब बताओ एक दिन सबको मरना पड़ेगा कि नहीं, मरना पड़ेगा, लेकिन साक्षात साक्षात बोलो को वृंदावन पति जहाँ कीर्तन कर रहे हैं, जहाँ नित्यानंद अद्वैत आचार्य साक्षात रूप में कीर्तन गदाधर राधा रानी जहाँ कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन सुनते सुनते ये बच्चा ने शरीर छोड़ दिया, कितने सौभाग्य की बात है, भगवान की कीर्तन सुनते सुनते अगर कोई जाए सीधा ठाकुर के पास में सीधा जाएगा, कितने भाग्य है, मैं तो चाहता हूँ ऐसे सौभाग्य मेरा कब हो, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं, दिया उसने लिया उसने उसकी इच्छा जानकर के उनको इच्छा में इच्छा मिला देनी चाहिए, तो देखो अभी भगवान कीर्तन कर रहे हैं नृत्य कीर्तन कर रहे हैं,
अगर तुम्हारी रोना धोना की आवाज सुने उनकी कीर्तन में अगर बाधा व्याघात होना, ये तो बेटा गया ही गया, मैं भी गले में पत्थर बांध करके मैं भी गले में जम मरूंगा। साक्षात भगवान का नृत्य कीर्तन में व्याघात हुआ है, जब डांट लगा दिया चुप हो गए मन मन में रोई है, तब उन्होंने आए आ करके पहले जितने खुश होकर नाच रहे थे ना, उससे भी ज्यादा खुश होकर नाच रहे, छलांग लगा लाते महाप्रभु सब मुझे लगता है आज मेरे मन में आनंद नहीं आ रहा है, लगता है श्रीवास का घर में कुछ आनंद नहीं हो सकता। भगवान ना सब जानते, इतना जब बोले ना सुन करके तो उन्होंने श्रीवास छलांग लगा दी, प्रभु आप क्या बोल रहे हो, जहाँ आप साक्षात हो वहां पर कुछ अनहोनी क्या हो सकती है, अनन्य हो ही नहीं सकती। साक्षात वैकुंठपति जहाँ पर भगवान है, कितना मंगल भवन अमंगल हरि, अमंगल कभी हो सकती है। इतने में उन्होंने इतने में अद्वैत आचार्य बोले प्रभु श्रीवास का जो एक लौता संतान था इतना सुन करके महाप्रभु रोने लगे। महाप्रभु कहते हैं पुत्र शोक ना जान लो जे महारे एमंत संगम छाई वे। महाप्रभु कह रहे हैं मेरे सुखी में सुखी होकर भी बेटा का, संसार में बेटा ही तो सब कुछ होता है, घर गृहस्थ में बेटा ही सब कुछ है, लेकिन बेटा का दुख को भी जो दुख नहीं माना, मेरे सुख को जो सुख मान करके जिसने संसार के दुख को भी दुख नहीं माना, ऐसे संग को मैं छोड़कर संन्यास कैसे, मतलब महाप्रभु वहीं पर लख्य करके बता दिया एक दिन में संन्यास लेना लूंगा। भक्त लोग को पता चले गया महाप्रभु घर में और ज्यादा दिन नहीं रुके, चलो चलो बेटे के पास आए, देखा उसको घर में सफेद कपड़ा ऊपर ढका हुआ था, तो महाप्रभु उसको छाती पर हाथ रखे, छाती पर हाथ रखते ना दोबारा जिंदा हो गया बेटा, दोबारा जिंदा हो गया, भगवान है ना। जब जिंदा हो गया महाप्रभु पूछे भैया तुम कहाँ चला गया है, गया कहाँ, देखो फिर बेटा जिंदा होकर के बोल रहे हैं, बोले प्रभु देखो इसलिए भगवान जिसको तिसको भगवान नहीं बोलते हैं, मरे हुए व्यक्ति को तो प्राण दे सकते, कृष्ण ने दिया है ना, गुरु पुत्र को कहां से लाए, नरक से लाए। जब देवक को पता चला लाए, बोले मेरे बेटे को देखने का इच्छा, फिर जाकर लाए छह पुत्र को, फिर द्वारका में ब्राह्मण का बच्चे जो मर जाता था, फिर उन्हें कहां पर गए, वैकुंठ गए, वहां से भी बच्चों को सारे बच्चों को बांट कर लाते, इसलिए भगवान उसे कहते हैं जो मरे हुए बच्चे को निकलो जिंदा कर सकते। महाप्रभु को तीन बार उन्होंने मरे हुए बच्चों को जिंदा है, मरे हुए बच्चे को उन्होंने जिंदा किया, इसलिए बच्चा जिंदा हो गया। जिंदा होकर बोले तुम कहाँ चला गया था, प्रभु मेरे भाग्य की तो कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मेरा भक्त घर में नहीं था, श्रीवास का बेटा बनकर आया, जो माँ की पेट से जो भक्त घर में आते हैं ना, माँ की पेट से ही भजन करना शुरू कर देते हैं, क्यों, जैसे मैया कीर्तन करता है वो भी बच्चा तो पेट में, मैया प्रसाद पाती है वो भी बच्चे में प्रसाद पा रहे हैं, मैया परिक्रमा करती है तुलसी की बच्चा भी पेट में वो भी परिक्रमा करता है, मैया ठाकुर को प्रणाम करती है बच्चे में पेट में वो भी प्रणाम करता है, हैं मैया हरिनाम करती है पेट में बच्चा है वो भी हरिनाम करता है, इसलिए भक्त घर में जन्म होना, इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते प्रभु कहते कीट जन्म हो जथा तुआ दास बहिर्मुख ब्रह्म नहीं जन्म आ, अगर कीड़े मकुड़े अगर जन्म हो जाए ना, अगर तुम्हारी दास बन करके अगर तो आपका दास बन करके मेरा जन्म हो दास भक्तों घर में, लेकिन अगर हमें ब्रह्म लोग भी क्यों नहीं मिलेगा, अगर भगवान से विमुखता हो हमें वो ब्रह्म लोग नहीं चाहिए, भले कीड़े मकुड़े जन्म हो भक्त घर में, इसलिए भक्तों ठाकुर कहते हैं अगर कुत्ता उगर गाय ना भक्तों घर में कुत्ता बन करके आए, बोले क्यों, बोले भगवान को सबसे पहले ठाकुर को भोग लगेगा, ठाकुर को भोग पकड़े गुरुवर को भोग लगेगा, उसको बाद में वो प्रसाद फिर किसको घर में भक्त लोग प्रसाद पाएंगे, कुत्ता कुत्ता करना पहला रोटी गैया को लास्ट रोटी कुत्ते को, इसलिए लास्ट में रोटी को क्या करते कुत्ते को डाल देते,
सबका प्रसाद एक कुत्ता पा रहे इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते बोले प्रभु यदि कुकुर ठाकुर है एठो दिया तारा है तो वैष्णव ठाकुर मतलब अगर कुत्ता बन करके भक्तों घर में आता तो भक्तों का अधरा मृत्यु भाग रहा हमारा उधार रहा उधार बच्चा कह रहा है बोले प्रभु हमारा तो अहो भाग्य था यदि तुम्हारी भक्त बचपन से ही आपकी कथा लीला कथा सुनते रहे कीर्तन सुनते रहे हरिनाम सुनते रहे आपका दर्शन प्रभु ऐसे भाग्य किसको होगा बोले तो गया कहाँ बोले आपने जहाँ भेजा वहीं पर चला आपके इच्छा के बगैर पता तो नहीं इतना आपको इच्छा के बगैर पता तो नहीं इतना है ना इसलिए आप जहाँ भेज दिया मैं वहीं चला गया लेकिन प्रभु जहाँ गया ना बहुत अच्छा जगह वो कह रहा है आपने जहाँ भेजा है ना बहुत बढ़िया जगह पर भेज दिया बहुत मैं खुश हूँ बहुत मैं खुश हूँ है प्रभु एक दिन तो संसार से जाना ही पड़ेगा लेकिन आप तो कीर्तन सुनते सुनते कौन जाता है लेकिन मैं बहुत प्रसन्न बहुत खुश हूँ कि संसार कैसे उदाहरण दिया है नदी और प्रवाह जन काष्ट लगती है उदाहरण दिए हैं आप देखे होंगे नदी में जब बाढ़ आती है ना ठीक है ना बहुत सारे उसमें घास भूसा बहते हुए जाती है लकड़ी वकड़ी बहती है अब देखना कभी कभी क्या क्या होता है कि बहते बहते कभी इकट्ठे हो जाते हैं कभी देखना फिर अलग हो जाते हैं देखा कि नहीं कभी सब चीज इकट्ठे हो जाते हैं फिर क्या हो जाते हैं फिर धीरे फिर बिखर जाते हैं प्रभु ठीक ऐसे ही संसार में जीव कभी इकट्ठे हो जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं कभी इकट्ठे हो जाते कभी अलग हो जाते हैं लेकिन किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन भक्तों का दर्शन और भक्त मैं बहुत खुश हूँ तो बच्चा ने इस बात को बताया ज्ञान की बात बताया अच्छी अच्छी बात बताई बच्चा ने इतने में महाप्रभु पूछे बचाओ आपके बच्चे को जिंदा करते महाप्रभु पूछे तब उन्होंने श्रीवास पंडित तो पत्नी परिवार को भी साधारण नहीं प्रभु जब वे स्वयं कहता है एक दिन मरना अब कीर्तन दर्शन करते करते प्राण छूटा और जहाँ पर भेजे में बहुत अच्छे तरह से बहुत अच्छे जगह में गए फिर उसका हम वापस लाना नहीं चाहते अपना खुश से जहाँ पर गए उसको छोड़ दो फिर परिवार खुश हो हमने ये सिखा दिया फिर एक समय में ये चार भाई रात भर कीर्तन करते थे हरि कीर्तन करते थे लेकिन कुछ पाखंडी लोग भी होते हैं जो चिढ़ने वाले जगत में हर तरह से होता है ना रात भर भजन करते थे कुछ चिढ़ने वाले लोग होते थे हैं चिढ़ने वाले लोग होते थे उन लोगों ने एक गोपाल चापाल था महादुष्ट एक तथा चक्रवर्ती ब्राह्मण घर में जन्म हुआ लेकिन है तो ब्राह्मण घर में लेकिन ब्राह्मण भक्तों को प्रति इतने भक्तों के प्रति इनका ईर्ष्या क्यों वो लोग सोचते हैं जयकार हमारी होनी चाहिए लेकिन जो भगवान भजन करते उनका तो जयकार होता है ना जय जयकार किसको होता है जो भगवान भजन करते उनका तो जय जयकार होता है ना है भक्ति नहीं करने पर दुनिया थोड़ी पूछेगी बोले सबरी कौन सा जाति में जन्म हुआ है कौन सा सबरी जाति में भगवान जिसका झूठा वेर हुआ महिमा किसकी हुई और जो ब्राह्मण लोग आश्रम छोड़कर चले गए बोले सबरी के क्यों स्थान दिया जब ठाकुर तो इनको नव विद्या भक्ति पर प्रदान की लेकिन जब ब्राह्मण को पास पहले इनको पास में आए इसको पास ब्राह्मण के पास में गए नहीं लेकिन जब बाद में उनको पास में गए बोले तुमको क्या चाहिए देखो अगर गुरु इसको पर अप्रसन्न हो जाए ना खुद ही भ्रष्ट हो जाती गुरु को छोड़ कर गए ना बोले ठाकुर जी जो पानी है ना जो यहाँ पर सरोवर है बड़े गद्दा रहता है कीड़े पड़े रहते हैं गद्दे की रहते हैं आशीर्वाद कर दो ये पानी थोड़ा अच्छा हो जाए हम व्यवहार कर सकते भगवान से भक्ति नहीं छाड़ते प्रेम नहीं मांगे भगवान से बोले जाओ सबरी को बुला कर ले आओ उसका चरणामृत ला करके पानी में छोड़ दो बोले जिस सबरी की वजह से आश्रम में छोड़े ठाकुर जी कहते उसका चरणामृत लाओ है चरणामृत लाओ फिर चरणामृत छोड़ते पवित्र हो गया अब ब्राह्मण उसमें स्नान कर रहे उसमें स्नान कर रहे इसलिए यहाँ शिक्षा देते जन्म से हाँ जन्म होकर के अगर तुमने ब्राह्मण का कर्म किया तभी तो ब्राह्मणत्व है अगर जन्म होकर के शूद्र का काम करते हो हैं उल्टा पुल्टा खाते पीते उल्टा पुल्टा गधे काम करते हो तो किस चीज का फिर ब्राह्मण
इसलिए इसकी इसलिए हमारे प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं ए मन की करे वरण कुल, तुम कुल को कैसे श्रेष्ठ मान लिया, कुल को तुमने कैसे श्रेष्ठ मान लिया, बोले जय कुले के न जन्म नाय केवल भक्त, भले ही जिस कुल में जन्म क्यों नहीं हो भक्ति हो गए। तो एक उदाहरण देते हैं हनुमान, कपि कुल धन वीर हनुमान, श्री राम भक्त राज हनुमान खुद कहते जिस घर में मेरे जन्म हुआ कुल में सवेरे मेरे नाम मेरे मुंह पर देखे तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन राम भक्ति की श्रेष्ठता तो देखो, राम की भक्ति की महिमा देखो, भजन करने का नाते घर में हनुमान की पूजा हो रही है। बांदर कुल में आए ना, सुग्रीव कौन सा कुल में आए, विभीषण कौन सा कुल में आए, राक्षस कुल में, काक भूषणी कौन सा, चंडाल, गुहक कौन कुल में आए, चंडाल, चंडाल कुल में आए हैं। इसलिए गरुड़ कौन, गिरिध है ना, गिरिध है ना, चामवान भालू, भालू है ना, लेकिन राम का भक्त अक्सर के देखो छोटे कुल में आए सब के सब, कोई बड़े कुल में नहीं आए सब छोटे, लेकिन भक्ति करने का नाते जगत में जिनकी महिमा, इसलिए वर्ण कुल, तुमने कुल को कैसे श्रेष्ठ मान लिया, कुल को श्रेष्ठ नहीं भक्ति को श्रेष्ठ है। जो भागवत में देख लो जितने कथा आती है, ध्रुव महाराज कौन सा कुल में आए, क्षत्रिय, प्रह्लाद महाराज कौन सा कुल में आए, क्षत्रिय, अम्बरीश महाराज कौन सा कुल में आए, क्षत्रिय, भरत महाराज कौन सा कुल में आए, क्षत्रिय, और सर्वश्रेष्ठ जो भक्त गोपियां, गोपियां है ना, उद्धव जिनके चरण की धूल मांगते हैं कौन सा कुल में, गोप कुल में, छोटे जाति में आए सबके सब, कोई बड़ी जाति में नहीं आए, सब छोटे जाति में आए, लेकिन भक्ति करने का नाते जगत में महिमा, इसलिए कुल की इतने महत्व नहीं है जितना महत्व भक्ति की, भक्ति के जितने महत्व है। इसलिए वो जो गोपाल चापाल था चक्रवर्ती, चक्रवर्ती बंगाल में ब्राह्मण है, श्रीवास पंडित साधारण घर में थे, इसलिए इनकी भक्ति देख कर तो ईर्ष्या में जल जाते थे इनकी भक्ति देख करके, और दुनिया भैया इनका नाम लेता है, हम तो चक्रवर्ती हमारे कोई पूछते नहीं। उसने उसकी बदनाम कराने के लिए उसने किया कि उसको घर को सामने रात में ना शराब और जवाब फूल होता है जो देवी की पूजा होती है वो, और जो देवी की जो पूजा होती है ना गंदी गंदी उल्टा पुल्टा चीज को ला करके उसने किया कि रात में घर को सामने श्रीवास पंडित रख करके, जब सवेरे हुआ ना पूरा पड़ोसी को, पड़ोसी पड़ोसी को बुला बोले देखो तुमको लगता है ये रात में कीर्तन करते हैं, ये ढोंगी साहब कोई कीर्तन कीर्तन नहीं करते, देखो घर को साहब ने क्या रखा हुआ, ये ढोंगी रचाते हैं सबके साहब, ये रात को ना स्वर्ग से अप्सरियों को बुलाते हैं, इनको भोग करते हैं, देखो ये देवी पूजा करके सब देवी पूजा का सामान रख दिया, कृष्ण भक्ति का नहीं देवी पूजा की, देखो क्यों क्या। लेकिन इस भक्त लोग तो बड़े दयालु कृपालु त्रिनाथ विश्व नीचे ना तारो पिसाई सुना तीन सर दीन है दृढ़ ही नहीं बने, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं, भक्त है ना, तो सब ठाकुर जाते जो करने वाले ठाकुर करेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर संत चरण में अपराध हो जाए ना भगवान उसको माफ नहीं करते हैं, संतों को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन उसका जो चरण धूल है ना वो क्षमा नहीं करते हैं। अम्बरीश महाराज दुर्वासा जी का कोई भी अपराध नहीं लिए, दुर्वासा बड़े ब्राह्मण थे, अम्बरीश भक्त है क्षत्रिय है, उनने कोई अपराध नहीं लिया, लेकिन उनका जो चरण धूल है ना छोड़ा नहीं। एक दुर्वासा जैसे इतने बड़े तेजस्वी ब्राह्मण को भी खदेड़ते हुए ब्रह्म लोग शिव लोग वैकुंठ तक तो पहुंचा दिया उनको, लास्ट में अम्बरीश के चरण में माफी मांगना पड़ा, दुर्वासा जी को बोलना पड़ा, आज मैंने भक्तों की महिमा को मैंने दर्शन दिया, जो भगवान की भक्ति करते इसकी कितनी महिमा आज मैंने इस चीज को देखा है, हैं? क्या हुआ जो गोपाल चापल था ना उसको पूरा कुष्ठ हो गया, कूड़ हो गया, उसका हाथ में प्यार में गले में कूड़ होकर कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ गए, और वो इतने जोर से चीखता था, इतने कष्ट भोग करता था। एक दिन उन्होंने रो रो करके महाप्रभु के शरण में आए, बोले प्रभु मेरे अपराध को माफ कर दो, प्रभु मैं अपराधी हूँ, मैंने गलती काम किया, संतों की मैंने बुराई किया, अपमान किया,
आप अपराध माफ हो, बोले देखो अगर प्यार में कांटा चुभ जाए ना शर्म नहीं निकलता है, प्यार नहीं निकलता। तुमने मेरे चरण में अपराध नहीं श्रीवास चरण में अपराध किया, नारद चरण जाओ माफी मांगो, भक्त तो दयालु मैंने आए चरण में गिड़गिड़ाए माफी मांगे, भक्त दयालु होते कृपालु होते, फिर उन्होंने उनकी माफ कर माफ कर दिया तो फिर क्या हुआ, फिर उन्हें सही किया, फिर तो उन्होंने भगवान की भक्तों की महापुरुष बड़े भक्ति बन गए, उन्होंने बड़े भक्त बन गए। इसलिए एक दिन श्रीवास चार भाई भजन करते थे रात पर, भजन करते थे, जब भजन करते थे इधर क्या हुआ, किसी ने आकर के बोल दिया देखो जो कहते हैं बहुत तरह का लोग होते हैं, चातुर्मास में भी भगवान शयन करते, चातुर्मास में शयन करते हैं, शयन एकादशी पर भगवान उत्थान एकादशी आता है उड़ते हैं, लेकिन ये रात भर दिन भर कीर्तन करने से किसी ने बोले ये दुष्टों का जो घर था ना घर को उखाड़ कर गंगा में बहा देंगे, कहा भगवान शयन एकादशी में तो शयन किए हो, अगर तू रात भर कीर्तन करोगे भगवान कैसे सोएंगे, अगर तू रात भर कीर्तन करोगे भगवान सोएंगे कैसे, ये रात भर चार भाई बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, अगर तू रात भर कीर्तन भगवान का नींद तो खुल जाएगी, अगर भगवान का नींद खुल गया ना व्याघात हुआ भगवान क्या करेंगे, फिर दुर्भिक्ष ले आएंगे, अकाल आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अकाल, हाँ अकाल दुर्भिक्ष आ जाएगी, भगवान नाराज होंगे दुर्भिक्ष आ जाएगी, अगर कुछ इधर उधर हुआ है ना तुम्हारी घर को उखाड़ कर सीधा गंगा में गंगा में बहा देंगे, और उन्होंने किसी ने आकर बोल दिया देखो जो ये हरिनाम कर मुसलमान का राजत्व, मुसलमान राजत्व था उसमें, हिंदू राजत्व नहीं था, इसलिए मुसलमान राजत्व था, बोले देखो किसी ने आकर बोल दिया जो हरिनाम करते ना भजन करते हैं तो मुसलमान राजा बिगड़ गया, वो कहते हैं उनको आकर के पुलिस आकर के राजपूत आकर बांध करके जेल में डाल देगा, सावधान हो जाओ हरिनाम परिणाम छोड़ दो, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, हरिदास ठाकुर के ऊपर जो विपत्ति आई वो कहते हैं बोटी बोटी करके अगर मेरे शरीर को एक काट डालेगा तो ये हरिदास हरि का नाम छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए भक्ति करने वाले भगवान को पूर्ण विश्वास, लेकिन भक्तों को अगर विपत्ति आई ना फिर ये नरसिंह भगवान जैसे प्रहलाद को नरसिंह भगवान रक्षा किया है ने? रक्षा किया है, फिर ये नरसिंह भगवान को पूजा करते हैं, इतने में श्रीवास पंडित भगवान नरसिंह देव को बैठा करके चंदन अगुर कर्पूर तुलसी की माला लेकर उन्होंने भगवान नरसिंह देव को पूजा कर रहे थे, जब पूजा कर रहे थे इतने महाप्रभु सब जानते महाप्रभु दौड़ दौड़ करके आए, उन्होंने दरवाजा बंद कर रहे थे महाप्रभु दरवाजा धक्का मारे मारते ही दरवाजा खुल गया, देखा श्रीवास पंडित बैठ करके भगवान नरसिंह देव को पूजा कर रहे, महाप्रभु बहुत अच्छी बात बोले श्रीवास तुमको डर है ना, बहुत महाप्रभु इतनी अच्छी बात होता है, बोले श्रीवास तुम डरते हो ना, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका राजदूत आकर पकड़ कर जेल में बंद करेगा, बोले देख सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप में कौन बैठा है, मैं भगवान अंतर्यामी रूप में मैं ही बैठा हूँ, जब तक मैं हृदय से किसको प्रेरणा नहीं देता प्रेरणा देने वाले मैं हूँ, मेरे भक्तों को जेल में बंद करो ये बात को कौन हृदय में जो बैठ हुई परमात्मा वही तो बोलेंगे, लेकिन जब तक मैं नहीं बुलवाऊंगा वो कैसे राजा मुसलमान राजा कैसे बोल सकता है, जब भगवान के भक्तों को लाकर जेल में बंद करो कौन अंतर्जाम रूप में कौन बोलेगा, मैं ही तो बोलूंगा ना, जब तक मैं नहीं बुलवाऊंगा वो कैसे मेरे भक्तों को कैसे लेकर जेल में बंद करेगा, कोई चिंता मत करो मेरी इच्छा की वगैरह की पता भी नहीं हिलता है, कोई चिंता मत करो खूब मुक्त कंठ से हरिनाम करो भगवान की भजन, खूब मुक्त कंठ से मेरा भगवान की भजन करो, कोई चिंता की कोई बात नहीं, प्रमाण दिखाता प्रमाण दिया था महाप्रभु। श्रीवास पंडित का भाई का एक बेटी थी जिसका नाम थी नारायण, जब 5 साल की छोटी बेटी थी पृथ्वी को प्रमाण दिखाता महाप्रभु ने बोले नारायणी तुम कृष्ण बोल करके रो तो क्योंकि अंदर में तो वही बैठेंगे ना, तुम कृष्ण बोल कर छोटी बच्ची थी महाप्रभु जब इतना बोले ना
वो जो नारायण थी कृष्ण बोल करके उन्होंने ऐसे रोए, प्रभु वहीं पर बैठ गए, कृष्ण बोल करके उन्होंने ऐसे रोए, उन्होंने ऐसे रोए कृष्ण बोल करके, जिसको देख करके आश्चर्य में पड़े गए। वही नारायण की जो बच्चा हुआ श्री वृंदावन दास, जिसने चैतन्य भागवत हम गए थे ना, माम गच गए थे ना, उनका ही बेटा श्री व्यास देव, स्वयं व्यास देव जी इनके बेटे बन करके आए। और उन्होंने उन्होंने क्या किया, चैतन्य भागवत ग्रंथ को, जैसे श्रीमद भागवत ग्रंथों को व्यास देव ने रचना की, उसी तरह महाप्रभु लीला में व्यास देव श्री वृंदावन दास ठाकुर बन करके आए। फिर महाप्रभु की सुंदर सुंदर कथाओं को उन्होंने, वही कृष्ण कथा महाप्रभु कथा को बड़ी सुंदर रचना की। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हम सच्चा हृदय से भगवान को पुकारें, निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करते, भजन करते, भैया जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह, सारा दुनिया भले तुम्हारे शत्रु हो जाए, प्रहलाद की पर विभूति आई ना, रक्षा किसने किया है, किसने रक्षा किया है, दुर्ज ने रक्षा किया है, महाप्रभु प्रमाण दिला दिया वहां पर, भक्तों को निश्चिंत कर दिया, कोई चिंता मत करो, हरि नाम करो, भगवान का भजन करो, और रक्षा करने वाला मैं हूँ, मैं ही तुमको जगत में हर समय में रक्षा करूंगा। इसलिए वही श्रीवास पंडित घर में हम एक भजन गाते हैं ना, श्री हरि बस रे हरि कीर्तन विधान जगते प्राण पुण्यवंत श्रीवास गज सुकर लीला कीर्तन गनी गोपाल गोविंद। महाप्रभु रात भर श्रीवास पंडित घर में रात भर हरि कीर्तन करते, ब्रह्मांड भेदिया ध्वनि पूरी आकाश, जब कीर्तन करते थे ब्रह्मांड को भेद करके गोलोक वृंदावन तक आवाज चली जाती है। फिर जब महाप्रभु है तब तो जो श्रीवास पंडित, जब उन्होंने बेटा मर गया ना, जब बेटा मर गया, महाप्रभु क्या बोलते हैं, बोले श्रीवास तेरे एक बेटा गया है, एक बेटा गया, आज से हम तुम्हारे दो बेटे बनते हैं। बोले कौन, बोले मैं एक बेटा और नित्यानंद, आज से हम तुम्हारे दो बेटे बनते हैं। और सचमुच से नित्यानंद प्रभु उनका जो प्रतिनिधि मालिनी थी ना देवी, नित्यानंद बड़े हो गए, जैसे कि माँ की गोद में बैठी करके बच्चा स्तन पान करती है ना, नित्यानंद प्रभु गोद में बैठी कर सच्चा बोलते प्रभु गोद में बैठी कर स्तन पान करती, गोद में बैठी कर स्तन पान करती थी, बच्चे जैसे माँ के सामने नंगे हो जाते हैं, नित्यानंद प्रभु भाव में आकर नंगे हो जाते थे, हैं छोटे बच्चे बनकर नंगे हो जाते थे। इसलिए एक बार क्या हुआ, इसे ठाकुर को इसे कटोरी होता है ना पीतल का, नहीं तो चांदी कटोरी में घी रखते हैं, और ठाकुर जी को जैसे घी के लिए दिया लगाते हैं, जैसे भोग में रोटी में जैसे घी लगाते हो, चावल में बंगाल में घी देते हैं, देकर के ठाकुर को भोग लगाते हैं। जिस कटोरी में घी था वो चांदी की कटोरी थी, इतने में क्या हुआ, एक कौवा ने आया वो कटोरी को पकड़ा और उड़ करके चला गया। अभी तो श्रीवास का पत्नी जो मालिनी तो रोने लग गई, क्योंकि ठाकुर का कटोरी था, चांदी की कटोरी ले गया कौवा। अभी श्रीवास पंडित आकर देखे, भैया ठाकुर का कटोरी कहाँ गया चांदी की, अगर बोल दिया अगर कौवा ले गया फिर तो डांट लगाएंगे पत्नी को, पर डांट पड़ेगी। इतने में तो मालिनी रोने लग गई, जो रोने लग गई नित्यानंद प्रभु बोले क्यों रो रही हो, बोले हमारी ठाकुर को चांदी की कटोरी ये कौवा लेकर चला गया, कहाँ लगाया पता नहीं। नित्यानंद प्रभु कौन है, बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु कौन है, कहते बलदेव प्रभु से तीन विष्णु हैं, कारणदेव गोसाई गर्भदेव गोसाई क्षीरावती साई है। कारणदास विष्णु कौन है, समस्त ब्रह्मांड का जो कारण है, वो माया के प्रति इखन करने पर ये माया अनंत एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड को सृष्टि करती है। गर्भदेव साई का काम किया है, हर ब्रह्मांड में शयन करके अपना पसीना से पूरा ब्रह्मांड को भर देते हैं, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जन्म। क्षीराब्धि साई विष्णु कौन है, हर जीव के हृदय में जो अंगुष्ट परिमाण जो परमात्मा हृदय में, हर जीव परमात्मा उसमें
ठाकुर बैठे हुए, ये जो अंश रूप में जो कारणदत्त साई विष्णु रूप में सविता के हृदय में बैठे हुए, इसलिए ये कारणदत्त ये थिरादि साई कौन हो गए, नित्यानंद प्रभु का अंश हो गए, नित्यानंद प्रभु का प्रकाश अंश हो गए। इतने में नित्यानंद प्रभु सबके हृदय में नित्यानंद प्रभु बैठे, इतने में उन्होंने अंतर्ज्यामी रूप में उन्होंने स्मरण किया। कौवा के हृदय में तो वो भी बैठे ना, सबके हृदय में वही बैठे, बोले कौवा जल्दी जल्दी ठाकुर का कटोरी लेकर आजा, मेरी मैया रो रही है, मेरी मैया रो रही है, कटोरी लेकर आज। कौवा कहाँ चला गया था, फिर देखा वो कौवा ने चोंच में फिर कटोरी को लेकर ना उड़ते उड़ते आया, उड़ते उड़ते आया और जहां से कटोरी लिया था फिर उन्होंने वही कटोरी को वही रख लिया और फिर उड़ते उड़ते फिर कौवा कहाँ चले गए। सुभाष पंडित पत्नी मालिनी बोले मेरे जान बच गई, नहीं तो पता नहीं पंडित याद रखे मेरे को गाली देते कहाँ ठाकुर की कटोरी चली गई। इसलिए इनकी बहुत बहुत कथा श्रीवास पंडित की। फिर जो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में चले गए हैं, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में चले गए, हर साल श्रीवास पंडित क्या करते थे, अपना पत्नी को साथ में कहाँ से बंगाल से और कहाँ चलते थे पुरी। अभी जैसे ट्रेन बस कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं, जंगल में रास्ता और क्या होता नाव होता था, फिर क्या होता पानी में चोर डकैत रहते थे, कष्टिन से वहां से चलते चलते पुरी आते थे जंगल रास्ता में, क्या लेकर के आते थे, महाप्रभु का जो प्यारा चीज, महाप्रभु जो पसंद चीज होता था वो चीज को सर पर रख करके है। जैसे हम किसी बेटी के घर में, किसी बेटा कहीं प्यारे घर में जाते हैं ना, किसी बंधु क्या लेते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते, खाली हाथ में से नहीं जाते ना। इसलिए शिक्षा देते हैं जब हम गुरु वैष्णव ठाकुर के पास में जाए ना, खाली हाथ से नहीं, कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर के जाए, क्यों हम इसको प्रेम करते हैं उसके लिए लेकर जाते हैं। और जगत का प्रेम तो झूठा, लेकिन अगर ठाकुर का प्रति प्रेम हो, भक्तों का प्रति, गुरु जी का प्रति प्रेम हो, खाली हाथ से नहीं, कुछ ना कुछ वहां लेकर के जानी चाहिए। फिर वहां से नवद्वीप से सर पर रख करके ढोल ढो करके लाते थे महाप्रभु के लिए, महाप्रभु की सेवा करते थे, महाप्रभु के लिए सुंदर सुंदर विषय बनाते थे, महाप्रभु भोजन कराया करते थे। इसलिए कहते श्रीवास पंडित उन्होंने अपना जीवन में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी है, अच्छी अच्छी शिक्षा दिया है। इसलिए श्रीवास पंडित का कल स्थिति था, इसलिए श्रीवास पंडित हम सबको ऊपर में कृपा करें, आशीर्वाद करें। वो नारद है, वो जगत गुरु नारद जी के जगत गुरु है, जिसको पास में जाए सब नारद जी को गुरु 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 बोलते हैं, और इनकी कृपा हो तो फिर भगवान की भक्ति मिलती है। इसलिए वो हम सबको ऊपर में कृपा करें, भगवान के चरण में हमारा भक्ति हो, प्रेम हो, और जीवन में जितने बाधा विपत्ति आए ना, लेकिन भगवान को भजन हमें नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान की भक्ति हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। छोटी मोटी कोई चीज आ गया तो भगवान की भजन को छोड़ छाड़ करके हैं, तो ठाकुर जी लो हो गया तुम्हारी भजन, तुम्हारा इतना भजन किया और तुमने हमारे ऊपर इतनी विपत्ति दे दिया। तब किसी ने प्रभुपाद से प्रश्न किया, यदि ये भगवान की जो भक्ति भजन करती है विपत्ति पर क्यों आती है, ये विपत्ति क्यों आती है, तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं विपत्ति इसलिए आती है, विपत्ति आए तभी तुम भगवान को भजन करोगे, विपत्ति नहीं आए तो विषय में तुम मजबूत हो जाओगे, विषय में रहोगे तो मजबूत। दूसरा कारण होता है विपत्ति को जरा ये शिक्षा देते हैं, ये संसार नहीं है रहने का, प्रभु जी आ रहे थे ना, ये संसार नहीं है रहने का, यहाँ दुखी दुखी सहने का, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि ये शिक्षा देते हैं संसार नहीं है, इस संसार दुख ही दुख है, अगर तुम परम शांति पाना चाहते तो क्या करो, भजन करो और संसार से निकलते हुए ठाकुर की चरण में चले जाओ, आनंद आनंद ही आनंद है। ठीक है, कृपा हरे कृष्ण Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
परमानंद।